ओल्ड स्टाइल जो है ना बाइक्स भी है भाई साहब, उसको कपड़ा शपड़ा मार के रेडी कर रहे हैं। जो है ना जी, हम शादी की सच्ची पे आ गए हैं और ये देखें जी, शादी की सच्ची देखने में बड़ी मजेदार लग रही है। बासम, बासम कैसी है? बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है भाई, बहुत मजेदार है। अभी खाते हैं शादी की सच्ची और फिर मिलते हैं, क्योंकि मुंह में पानी आ रहा है तो पहले दिल कर रहा है कि इसको खा लें, फिर आपसे बात करेंगे। बाय बाय, अस्सलामु अलैकुम, दिस इज कामरान, हाउ आर यू गाइस टुडे, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। बड़ा ज़बरदस्त मौसम है आज, बारिश हुई है इधर और गलियां सारी जो है ना वो भीगी हुई हैं हमारी। बड़ा ज़बरदस्त मौसम है भाई जी, बदल हुए हैं और बड़ा मज़ेदार मौसम हुआ हुआ है। और मैं अभी गया हुआ था कहीं पे, अभी घर आया हूँ तो घर आके मैंने देखा है कि जनाब बासम मियाँ जो है ना आए हुए हैं। हाँ जी, वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक हो आप? फिर आ गए लाहौर यार? मैंने कहा आप अकेले हैं तो मैं आपको कंप्लीट भूल चल गया। अच्छा, जबरदस्त यार, मजा आएगा फिर ना। अभी मैंने ना कल जो है वो खाने वाल भी जाना है दोबारा, तो आप चलोगे मेरे साथ? इंशाल्लाह है, इंशाल्लाह। अच्छा, कल आपके साथ? अभी भी हमारे ना एक दो काम है तो वो करने के लिए चलते हैं, शाम को हम खाना छाना खाएंगे तो फिर आज का दिन हम जो है ना इकट्ठे गुजारेंगे। ठीक है, चले फिर हम थोड़ी देर अभी चाय शाय पीते हैं घर चल के, तो फिर निकलते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, ओके। ले जी भाई साहब, हम आ गए हैं जेएस बैंक की एटीएम पे। मैं और बासम भाजी पाकिस्तान आए हैं, खर्चा बड़ा हो रहा है तो पैसे नहीं है गए अपने कोल, इस वास्ते इतों एटीएम चो ना जी थोड़े जे पैसे कढ़ाने तो वो खर्च कर लें। लो जी, आ पाकिस्तान की एटीएम है जी, तो ये सुबह भी मैं आया सी तो बंद पई सी, तो हूँ भी मैं आया बंद पई है, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई साहब आप क्या कहेंगे, एटीएम नहीं काम कर रही? बहुत अच्छी, पाकिस्तान के एटीएम फारग ने। फारग ने? लो जी, एटीएम फारग ने भाजी, सवेरे भी आया सी हुण भी आया सी, यही लिखे आ रहे सामने कि दौड़ जो इतों कोई पैसे पूहे नहीं है। ले जी, हम जा रहे हैं एटीएम से जलील होने के बाद, हम जा रहे हैं वेस्टर्न यूनियन मनी चेंजर पे। भाई साहब उधर से जाके ना जी हम अपने जो है ना पैसे जो है चेंज करवाते हैं। ठीक है जी, और कौन से पैसे चेंज करवाते हैं? ये वाले पैसे चेंज करवाते हैं भाई साहब, ये वाला पापा कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, ये वाला पापा भाई साहब, ये वाला पापा जो है ना, इसका नहीं पता आपको, ये वाला बाबा जो है, मैं बाबा दिखाता हूँ आपको, ये वाला बाबा, ये वाला बाबा है ना भाई साहब, ये वाला बाबा कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता इसको, बाबा जी ग्रेट। ले भाई साहब, ये है वेस्टर्न यूनियन पे हम आ गए हैं, यहाँ से जो है ना जी हम अपने पैसे जो है वो चेंज करवाएंगे। ठीक है, और बाबा जी थानू सलाम है, तुसी ग्रेट हो, सलामी कबूल करो। तो यह जरा ना जी वेस्टर्न यूनियन गार्ड बार्ड बैठा है, अंदर जाके पता नहीं मूवी बना देगा या नहीं, तो इसलिए असं पैसे चेंज करा के वापस आते हैं। ओके, हो गया जी। ले जी, मैं टोनी भाई और बासम जो है ना हम आ गए हैं, अंदर आ गए हैं, अंदर आके तो हम ये जो है उनका मेन्यू चेक कर रहे हैं भाई साहब, और मेन्यू जो है वो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन कॉस्टली भी बहुत है एज़ कम्पेयर टू अदर रेस्टोरेंट।
क्योंकि मैं प्राइस चेक कर रहा था लेकिन काफ़ी जो है ना जी वो एक्सपेंसिव नज़र आ रहा। ओए भाई आप क्या कहेंगे टोनी भाई, ऐसे ही है जब आप भी खाते रहते हो तो आपने का मेन्यू चेक किया तो प्राइस हाई लग रहे हैं आपको। हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है। हाँ बासम आप अप्रोक्सीमेटली हर चीज़ हाँ, अदर देन रेस्टोरेंट्स जो हम बाहर खाते रहते हैं काफ़ी, तो हमें अंदाज़ा है, इसलिए इनका जो मेन्यू है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। मैं पहले देखते ही इसको पहचान गया था भाई, महंगा महंगा है, काम बड़ा महंगा है भाई साहब, पर खावांगे खावांगे भाई, बड़ी दूर आया खाने वास्ते। चलो ठीक हो भाई साहब, ये हम मौजूद हैं इधर, हम जो है ना गोश्त कटवा रहे थे, ये हमने गोश्त कटवा लिया, फ्रेश गोश्त जो है ना जी बकरे का अपने सामने हमने कटवा लिया भाई साहब, और जो है इसको इंशाल्लाह इसकी कढ़ाई बनेगी, और साथ हमने जो है ना एक जो हमने साथ जो है ना खट्टा सब्जी भी ऑर्डर की है। भाई कह रहे हैं गोश्त चेक करें, इंशाल्लाह ताज़ा और फ्रेश गोश्त आपको, ऐसा गोश्त नहीं मिलेगा। टू टोनी भाई बकरे के लिए सिर्फ एसी लगाया है, फ्रेश रहे। अच्छा अच्छा, अंदर जो है ना भाई ने कैबिन में एसी लगाया हुआ है ताकि जो है ना बकरा अंदर ठंडा रहे, ज़रा फ्रेश रहे। ठीक हो गया भाई साहब, अभी ये पकेगा इंशाल्लाह, फिर आपको दिखाएंगे कैसा लगता है। बिल्ले का डेरा है जनाब, इधर इन्होंने जो है ना ये शेर भी रखे हुए हैं, ये देखे पिंजरे में ना भाई साहब दो शेर भी रखे हुए हैं, एक ये नज़र आ रहा है आपको और एक ये इधर नीचे बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है। की हालत है, ठीक है। एक ये बैठा हुआ है भाई साहब शेर, और एक जो है ना जी वो बैठा हुआ है। तो भाई साहब इन्होंने जो है ना शेर भी रखे हुए हैं, ये बड़ा सारा पिंजरा बनाया हुआ इन्होंने बॉक्स, ये देखे आप देख सकते हैं, और ये उनको कूलर लगाया हुआ है ठंडा करने के लिए, गर्मी बहुत है तो वो कूलर के आगे जो है ना वो बैठा हुआ है एक शेर जो है ना, ये बैठा हुआ है, वो एक दूसरा शेर जो है ना जी वो बैठा हुआ है, वो मादा लग रहा है और ये नर लग रहा है। ले जी मैं और बासम भाई जो है ना रात को हम शादी की सब्जी खा के ना जी हमारा प्रोग्राम बना के हम ना खाने वाल के लिए निकलते हैं, तो हम जो है ना जी खाने वाल आ गए थे दोनों, रात को मैंने व्लॉग नहीं बनाया अभी वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, और साथ हमारे जो है ना जी टोनी भाई हैं, और हमारा प्रोग्राम बना अभी दोपहर में कि हम जो है ना जी बिल्ले का डेरा मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड पर है जनाब, बड़ा मशहूर होटल है बिल्ले का डेरा, तो मैं बासम और जो है ना टोनी भाई हम बिल्ले का डेरा पे जा रहे हैं जनाब खाना खाने के लिए, तो इंशाल्लाह वहाँ दिखाते हैं आपको चल के। ये जनाब बिल्ले का डेरे पे मौजूद हैं हम, बिल्ले का डेरा जो है ना जी काफ़ी बड़ा इन्होंने बनाया हुआ है, वो सामने जो है ना मेहराब होटल भी है, ये देखें बिल्ले का डेरा, ये भाई साहब बिल्ला साहब ये बैठे हुए हैं तस्वीर में ऊपर, तो बिल्ले का डेरा जी ये भी इनकी लोकेशन है, ये सारी ये कार पार्किंग है इनकी, ये फैमिलीज़ के लिए है, और इधर इनका ये सब खाना पकाना जनाब चल रहा है, और इस साइड पे जो है ना जी इनका फैमिली का हॉल है, और काफ़ी देसी स्टाइल में भी है, ये देखें वो सामने देसी स्टाइल लगा हुआ है, वो छत के ऊपर भी परछाते उसे सोलर लगे हैं भाई, तो जो है ना वो सामने काफ़ी बड़ा इनका अच्छा सेटअप है, और इंशाल्लाह भी इनको ऑर्डर करते हैं, देखते हैं बिल्ले का डेरा, यहाँ दो तीन घंटे स्पेंड करेंगे, थोड़ा इंजॉय करेंगे, खाएँगे पियेंगे, तो लेकिन बाहर गर्मी है, हमारा प्रोग्राम है कि हम जो है ना अंदर बैठते हैं भाई साहब चल के, ओके ओके, अंदर एसी वाले रूम में बैठते हैं, खाने का मज़ा वहीं आएगा, इतने भाजी गर्मी बड़ी है, अभी पसीने निकल जाने हैं तो मज़ा नहीं आना खाने का। ये देखें भाई साहब ये इनका काफ़ी जो है ना जी अच्छा सेटअप है, काफ़ी बड़ा इनका बच्चों के लिए, वो उधर जो है ना झूले वगैरह भी लगे हुए हैं, और ये खाने पकाने का जो है ना सारा सिस्टम जो है ना इनका इधर है, ये देखें ये ओल्ड स्टाइल जो है ना बाइक्स भी हैं भाई साहब, उसको कपड़ा शपड़ा मार के रेडी कर रहे हैं, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ ये ओल्ड स्टाइल जो है ना जी, ये देखें ओल्ड स्टाइल बाइक्स हैं, स्कूटर हैं बड़े पुराने। तो भाई आप इसके बारे में क्या ख्याल है मासा भाई? जी वेस्पा बहुत अच्छा लग रहा है, वेस्पा अच्छा लग रहा है आपको? मौका दे मुझे ड्राइव करने का, अच्छा मौका दे आपको ड्राइव करने के लिए, नहीं यार ये ड्राइव नहीं हो सकती ना, ये पता नहीं ओल्ड स्टाइल है ना, हाँ हाँ ये मैं मेरा भी वेस्पा एक ऐसा हुआ करता था, जो जिस भाई को वो कपड़ा मार रहा है ना ऐसा हुआ करता था, मैं बड़ा चलाया भाई साहब बचपन से, वो उधर झूले वगैरह भी भाई साहब लगे हुए हैं सारे,
और ये काफ़ी यार बड़ा अच्छा सेटअप है, लेकिन सर्दियों में मज़ा आएगा बाहर खाने का बैठने का ना, लेकिन गर्मी में जो है ना गर्मी बहुत है। ये मैनेजर हैं भाई साहब यहाँ के सामने खड़े हैं और हमें देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? कितना अर्सा हो गया इसको यहाँ बिल्ले का डेरा बना हुआ है? सर 16 साल हो गए। 16 साल हो गए हमने लाहौर से आए जनाब, आपका नाम सुन के बड़ी मेहरबानी सर, आपकी मोहब्बत है, प्यार है। खाना शाना आपका चेक करेंगे इंशाल्लाह, जरूर खाएंगे। नहीं बड़ी तारीफ सुनी है, मेरे अक्सर दोस्त आए हैं यहाँ पे ना खाना खाने के लिए, उन्होंने बताया है कि भाई खाना इनका जो है ना बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह खाएंगे फिर आपको बताते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। ये जी हम इनके हॉल में एंटर हो चुके हैं, जो इनका जो है ना ये एसी वाला हॉल है उसमें एंटर हो चुके हैं, जिसकी एंट्रेंस में भाई साहब ये चार बंदे खड़े हैं, पता नहीं कौन है ये, पेप्सी की शर्ट पहन के और जो है ना जी, ओहो ये तो हमारे क्रिकेटर्स हैं भाई साहब, ये तो हमारे क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर्स की जो है ना स्टैचू बना के इन्होंने खड़े किए हुए हैं एंट्रेंस के ऊपर, और बड़ा ज़बरदस्त जनाब इन्होंने माहौल दिया हुआ है, वाह भी वाह मज़ा आ गया भाई जी, बड़े चंगी इन्होंने एंट्रेंस दी हुई है कि चार बंदे जोड़े यानी कि क्रिकेटर अपने खड़े किए हुए बिले के डेरे के एंट्रेंस के उत्ते। भाई साहब हमारे पिज़्ज़ा कबाब भी आ चुके हैं, पिज़्ज़ा कबाब भी खाते हैं, पिज़्ज़ा कबाब भी खा के आपको बताते हैं। इसके बाद रह गई है टोनी, क्या रह गई है दोबारा बताओ यार जरा। इसके बाद लाहौरी स्टाइल की कढ़ाई, लाहौरी स्टाइल की कढ़ाई रह गई है। ये कबाब भी बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई साहब, बहुत मज़ेदार है। नहीं जी अफगानी लोरी मटन कढ़ाई जड़ी भी है वो आ गई है, तो नाल गरम गरम रोटी है भाई साहब, ये भी देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, तो इंशाल्लाह खा के बताते हैं। तो भूख बड़ी लगी हुई है भाई साहब, जल्दी से खाना फिनिश करते हैं फिर मिलते हैं आपको, बाय बाय। नहीं जी हम बिल्ले के डेरे से खाना खा के घर वापस आ गए हैं, और रात बहुत हो गई है, सोने की तैयारियों में है, सोने लगा हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।